हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं गुजरात की फेमस रेसिपी ढोकला लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे आप घर पे बहुत ही आसानी से मार्केट जैसा बना के उसका कलर, टेस्ट और स्पंजी तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आज की मेरी ये खमन की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। के लिए हमने एक बड़ा सा बॉल ले लिया है। अब हम इसके ऊपर एक स्ट्रेनर रखेंगे, यानी कि छलनी। उसमें हम डालेंगे एक बॉल बेसन, यानी कि चने का आटा, और इसे हम छान लेंगे। छानना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि जब हम घोल बनाते हैं तो उसमें गुठली नहीं पड़ती है। फिर हम जब घोल तैयार करते हैं ढोकला के लिए, तो इसमें बिल्कुल लम्स नहीं पड़ता है, बढ़िया पेस्ट तैयार होता है। बेसन को हमने छान लिया है, आप देख सकते हैं एकदम स्मूथ दिख रहा है। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कटोरी सूजी, अब हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर ज्यादा नहीं डालना है, नहीं तो क्या होता है, कलर उसका जो है वो लाल जैसे दिखने लगता है। आधा चम्मच के करीब हम इसमें हींग डालेंगे, अदरक जिसे हमने ग्रेट कर लिया है, एक हरी मिर्च जिसे हमने एकदम छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया है, तो मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार डालिए। एक चम्मच हम शक्कर डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे नींबू का रस। तो यहाँ पे हमने फ्रेश नींबू का जूस निकाला है। अगर आपके पास फ्रेश नींबू का रस नहीं है तो नींबू का फूल ही आता है मार्केट में, जिसे बहुत बढ़िया ढोकला तैयार होता है, तो आप उसे भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम छोटे छोटे 3 चम्मच नींबू का रस यूज किए हैं। स्वाद के अनुसार हम नमक डालेंगे। अब हम इसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स कर लेंगे। सब इंग्रेडिएंट्स को हमने मिक्स किया है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और बेटर तैयार करेंगे। एक साथ में हम ज्यादा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो घोल पतला या गाढ़ा हो सकता है। गाढ़ा रहेगा तो हम पतला कर लेंगे, पर ज्यादा पतला हो जाएगा तो ढोकला बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ये हैंड मिक्स से मिक्स करेंगे। अब हमें अच्छे से इसे 2 से 3 मिनट तक एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए फेंटना है, क्योंकि ढोकला को हम जितना अच्छा से फेंटेंगे उतना ही बढ़िया अपना ढोकला फूलेगा। तो एक बात ध्यान में रहे, हमें इसे एक ही डायरेक्शन में फेंटना है। घोल को हमने 4 मिनट तक अच्छे से फेंट लिया है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, एकदम पकौड़े के घोल के जैसा इसकी घोल तैयार की जाती है, क्योंकि पानी भी लिमिट से डालना जरूरी होता है। अगर ज्यादा कम हो गया तो ढोकला अच्छे से नहीं फूल पाता है। हमने इसे अच्छे से फेंट लिया है। इतना घोल तैयार करने में हमने 1 गिलास पानी यूज किया है। अब हम क्या करेंगे, इसे ढककर 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये अच्छे से फूल जाएगा, फिर हम आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। 20 मिनट हो चुका है, चलिए हम ढक्कन हटा के ढोकला बेटर एक बार चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बेटर में हल्के हल्के बबल्स आ चुके हैं। तो हम इसे फिर से 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फेंट लेंगे। वही सेम प्रोसेस रहेगा, एक ही डायरेक्शन में हम इसको घुमाते हुए बेटर को फेंटेंगे। हम जितना अच्छे से बेटर फेंटेंगे उतना ही
इस तंदूरी ढोकला तैयार होगा। बेटर को हमने फेंट लिया। अब चलिए हम गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे हमने एक इडली मेकर में आधा लीटर पानी डाल के उबालने के लिए रख लिया है। यहाँ पे स्टीम अच्छे से तैयार करना बहुत ही जरूरी होता है। तो ये स्टीम या तो आप कढ़ाई में पानी डाल के या किसी भगोने में भी पानी डाल के रिंग रख के तैयार कर सकते हैं, पर मेरे पास ये सुविधा है तो मैं इसमें कर रही हूँ। अब हम गैस को ऑन कर देंगे और हम इसे एक कवर से कवर करके पानी बॉयल करेंगे। इससे क्या हुआ, जल्दी स्टीम तैयार हो जाएगा। तब तक अपना पानी बॉयल हो रहा है, तब तक हम ट्रे को ग्रीस करेंगे। हमने एक ढोकला ट्रे ले लिया है, इसमें हम एक चम्मच तेल डाल देंगे और हथेली से इसे अच्छे से अंगुलियों से फैलाते हुए ग्रीस कर लेंगे। इसे ढोकला अपना चिपकता नहीं है, जब हम इसे डिमोल्ड करेंगे तो अच्छे से बाहर निकल आता है। तो हमने ट्रे ग्रीस कर लिया, ट्रे ग्रीस हो चुका है। ट्रे को हम साइड रख देंगे और बेटर में हम सोडा डालेंगे। तो यहाँ पे हम एक चम्मच सोडा लिए हैं, ये खाने वाला सोडा है, इसे मीठा सोडा कहते हैं। यहाँ पे आप तीनों फूड सॉल्ट भी डाल सकते हैं। अब एक बात ध्यान रखना है, जब हम सोडा डाल देंगे तो फटाफट बेटर को 1 मिनट तक घोलेंगे और तुरंत हम उसे स्टीम होने के लिए डाल देंगे। आप देख सकते हैं सोडा डालने के बाद अपना बेटर कैसे फूल रहा है। तो हमें इसे ज्यादा नहीं फेंटना है, 1 मिनट तक अच्छे से फेंटना है। ये प्रोसेस बहुत सावधानी से करते हैं, तभी अपना ढोकला फूला फूला तैयार होता है। आप देख सकते हैं अपने बेसन में अच्छे खासे बबल्स आ गए हैं, बेटर फूल की ज्यादा दिखने लगा है। अब हम इसे ट्रे में ट्रांसफर करेंगे। तो हमने जो ट्रे लिया था ग्रीस किया हुआ, उसमें बेटर को ऐसे ट्रांसफर कर देंगे। ट्रे में हमने बेटर ट्रांसफर कर लिया। अब हम गैस की तरफ चलेंगे। तो आप देख सकते हैं अपना स्टीम अच्छे से इडली मेकर में तैयार हो गया है। अब हम बड़ी ही सावधानी से इसमें बेटर के ट्रे को अच्छे से डालेंगे। थोड़ा सा आप ध्यान से डालिएगा क्योंकि ये गर्म होता है। अब हम इसे तुरंत कवर कर देंगे और करीबन 20 से 25 मिनट तक इसे स्टीम होने देंगे। 25 मिनट स्टीम कर ढोकला को स्टीम होते हुए हो गया है। तो चलिए हम एक बार ढोकला चेक कर लेते हैं। कवर को हम हटा लेंगे। अरे वाह, आप ध्यान से देखिए अपनी ढोकला में कितनी अच्छी बॉबल्स आई है, यानी कि ये स्पंजी हुआ है। तो सबसे पहले हम एक नाइफ से इसे चेक करेंगे। बीच बीच से हम नाइफ को ऐसे डाल के चेक कर लेंगे। देखिए एकदम निडारा है, अपना क्लीन दिख रहा है नाइफ, यानी कि ढोकला पक चुका है। तो हम गैस को ऑफ कर लेंगे और ढोकले को कवर करके हम और 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। फिर हमें निकालना है। जब तक ढोकला स्टीम को ऑब्जर्व करेगा, तब तक हम तड़का तैयार कर लेंगे। गैस पे हमने एक तड़का पैन रख लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच राई। राई को हम अच्छे से करकने देंगे। तो इसमें जब बबल्स आना बंद हो जाएगा, आप समझ सकते हैं कि अपनी राई सिटक चुकी है। बबल्स आना बंद हो चुका है, यानी कि अपनी राई सिटक चुकी है। तो इसमें हम 4 से 5 हरी मिर्च डाल दे रहे हैं। हरी मिर्च को हम बीच से काट लेते हैं, नहीं तो तेल में डालने के बाद ये फटने लगता है। तो हम इसे भी डाल देंगे। अब साथ में हम डालेंगे कड़ी पत्ता। तो कड़ी पत्ता धो के सुखाने के बाद ही डालना चाहिए, नहीं तो तेल में डालने के बाद भी तेल के छींटे उड़ाने लगता है। जब तक तड़का अपना चटक रहा है, तब तक हम यहाँ पे 1 चम्मच नींबू का रस लेंगे, उसमें 1 चम्मच शक्कर डालेंगे और इसमें हम डालेंगे ढेर सारा पानी, यानी कि आधा ग्लास के करीब हम इसमें पानी डालेंगे। तभी तो ये अपना खट्टा मीठा ढोकला तैयार होता है। शक्कर को हम अच्छे से घोल लेंगे
हमने नींबू शक्कर पानी के साथ अच्छे से घोल लिया है। अब हम तड़के की तरफ चलेंगे। तड़का अपना अच्छे से चटक चुका है। अब हम गैस को ऑफ कर लेंगे और इसमें हम ये पानी ऐड करेंगे। पानी अपना डालने से तड़का ना ज्यादा ठंडा हुआ है ना ज्यादा गर्म है, यानी कि इसको हम ये वार्म वाटर के जैसे होना चाहिए। चलिए अब हम ढोकला को डिश आउट कर लेते हैं। तो चलिए हम ढोकला डिश आउट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कितना ये फ्लफी तैयार हुआ है। तो हम एक कपड़ा की मदद से इसे निकाल लेते हैं। अब हम इस बर्तन को साइज कर देंगे। अब हम एक नाइफ की मदद से इसकी किनारे को ऐसे अलग कर लेंगे। इससे क्या होता है, बड़ी ही आसानी से ढोकला बाहर आ जाता है। अब हम इसे दूसरे प्लेट पे ऐसे पलटते हुए और निकाल लेंगे। ये बहुत आसानी से अलग हो जाता है। तो आप एक बार ध्यान से देख लीजिए कितना बढ़िया मार्केट जैसा ये स्पंजी ढोकला तैयार हुआ है। एकदम फ्लफी दिख रहा है आपको। तो अब हम इसे अपने मनपसंद शेप में काटेंगे। तो एक नाइफ की मदद से हम इसे ऐसे काटेंगे। आपको जितना बड़ा छोटा ढोकला निकालना है उतने बड़े बड़े पीसेस में काट लीजिए। हम जैसे जैसे ढोकला को काट रहे हैं वो स्पंज के जैसे ऊपर नीचे हो रहा है। अब हम इसे ऐसे घुमा के और चौकोर शेप में काटेंगे। ढोकला को हमने काट लिया। अब हम एक ढोकला आपको दिखा दे रहे हैं कितना स्पंजी ढोकला तैयार हुआ है। इसे हम दबा के छोड़ दे रहे हैं तो ये बाउंस कर रहा है। तो चलिए अब हम ढोकले के ऊपर तड़का डालते हैं। जैसा कि हमने बोला, ये तड़का ना ज्यादा गर्म है ना ज्यादा ठंडा है, एकदम गुनगुना पानी के जैसे अपना तड़का तैयार रहना चाहिए। इस सारे तड़के को हम ढोकले के ऊपर ऐसे फैलाते हुए छोड़ेंगे। तो आपने देख लिया ये स्पंजी ढोकला मार्केट जैसा बनाना कितना आसान है। ये बिल्कुल मार्केट जैसा स्वाद ये स्पंजी हुआ है। मैं आपको एक बार फिर से प्रेस करके दिखा दे रही हूँ। ये जैसे जैसे हम प्रेस करेंगे नीचे जाएगा और फिर बाउंस करके ऊपर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप भी जरूर ट्राई कीजिए। अगर आज की मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।